हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एग्रीकल्चर एंड जीके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिबको एग्ज़ाम के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर देना, और जिन लोगों ने क्रिबको का फॉर्म फिल किया है उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर देना। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो है क्रिबको एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 80 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के रहेंगे और 20 क्वेश्चंस में आपका जीके, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग वगैरह आएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या आप एग्रीकल्चर के जॉब्स की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली हेल्पफुल वीडियोस डालते रहते हैं। दोस्तों, आप हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट से जुड़ सकते हैं, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा आप मुझे पर्सनली भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्रिबको इज, इसका आंसर है ऑप्शन ए, एन सम्बाशिवा राव। क्वेश्चन नंबर 2, फुल फॉर्म ऑफ क्रिबको इज, इसका आंसर है ऑप्शन बी, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको इज़ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी डीम टू बी रजिस्टर्ड अंडर दी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ MSCS एक्ट। ये एक्ट कब पास हुआ था? तो इसका आंसर है 2002। क्वेश्चन नंबर 4, दी हेड क्वार्टर ऑफ कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको इज लोकेटेड एट, इसका आंसर है ऑप्शन ए, नोएडा। क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम, इसका आंसर है ऑप्शन बी, नवंबर 1, 1977। क्वेश्चन नंबर 6, सिल्वरी सूट और ओनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस इज कास्ड बाई, इसका आंसर है ऑप्शन बी, गाल मिड्स। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट बाय बैक्टीरिया इज नोन एज, इसका आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द CN रेशियो ऑफ नॉर्मल सॉइल, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10:1। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रोइंग प्लांट एट अ न्यू प्लेस brought from different places is called as, इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ, इसका आंसर है DNA। क्वेश्चन नंबर 11, नेम ऑफ क्रॉप डेट विल रिक्वायर्ड मैक्सिमम सीड टू सो 1 हेक्टेयर आर, इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्हीट। क्वेश्चन नंबर 12, नेम ऑफ क्रॉप हैविंग मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, इसका आंसर है ऑप्शन बी, राइस। क्वेश्चन नंबर 13, नेम ऑफ सॉइल टाइप ऑक्यूपाइंग मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, इसका आंसर है ऑप्शन ए, एलुवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिकेट द क्रॉप डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर प्लांट पार्ट यूज एज फाइबर, इसका आंसर है दोस्तों, कॉटन। क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज लोकेटेड एट, इसका आंसर है चेन्नई, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, स्टैटिकल डिज़ाइन सुटेबल फॉर बाईडायरेक्शनल फर्टिलिटी, इसका आंसर है ऑप्शन बी, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन LSD। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट डीलिंग विथ ट्यूबर क्रॉप्स इज, दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, CIAT, मतलब सेंट्रो इंटरनेशनल डी एग्रीकल्चरा ट्रॉपिकल, मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, दोस्तों ये कोलंबिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन इज,
इन द कंट्री? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गली इरोजन। क्वेश्चन नंबर 19, एलिमेंट विच ब्रिंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ऑयल कंटेंट ऑफ मोस्ट ऑफ ऑयल क्रॉप्स? दोस्तों इसका आंसर है मैग्नीशियम एंड सल्फर। दोस्तों ये मैग्नीशियम और सल्फर जो होते हैं ये आपका ऑयल कंटेंट को इंक्रीज करते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स में। क्वेश्चन नंबर 20, द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स? दोस्तों इसका आंसर है 15 to 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 15 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है मोस्ट ऑफ क्रॉप के लिए सुटेबल होता है उनकी ग्रोथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, रेजिंग ऑफ क्रॉप वन आफ्टर अनादर विथआउट सीजनल फैलोइंग इज कॉल्ड? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। मतलब दोस्तों एक के बाद एक क्रॉप को ग्रो करना बिना जो है फैलोइंग, मतलब लैंड को बिना खाली किए लगातार क्रॉप को ग्रो करना, तो उसे कहते हैं सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 22, दी 1% कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पीपीएम? दोस्तों इसका आंसर है 10,000। क्वेश्चन नंबर 23, मैक्सिमम हाइब्रिड्स आर डेवलप्ड इन विच क्रॉप? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेज। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्लीशन ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन अनओपन्ड फ्लावर बर्ड इज कॉल्ड? इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्लिस्टोगैमी। क्वेश्चन नंबर 25, द जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट एंड सुसेप्टिबिलिटी इन 1946 इज गिवन बाई? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 26, कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर लाइन थ्योरी वॉज डेवलप्ड विथ? इसका आंसर है दोस्तों कॉमन बीन। क्वेश्चन नंबर 27, रिमूवल ऑफ ऑक्सिलरी बड इज नोन एज? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, निपिंग। और दोस्तों जो निपिंग की क्रिया होती है इसको ग्राम में करते हैं, चने में इसको की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर अनाउंस्ड बाई? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 29, पॉप इन ग्राउंडनट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ? इसका आंसर है कैल्शियम डिफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 30, विच सॉइल हैज़ हाईएस्ट बफरिंग कैपेसिटी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्ले सॉइल। क्वेश्चन नंबर 81, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन फ्रूट फॉर प्रिपेयरिंग जेली इज? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, पेक्टिन। क्वेश्चन नंबर 32, विच फ्लावर कैन बी ग्रोन इन ऑल सीजन? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैरीगोल्ड, मतलब गेंदा को जो है आप किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द मेन होस्ट ट्री फॉर द कल्टीवेशन ऑफ लैक इंसेक्ट इज? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पलास। क्वेश्चन नंबर 34, प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इज? इसका आंसर है सीड एंड सॉइल। क्वेश्चन नंबर 35, मोस्ट इफेक्टिव फंजिसाइड अगेंस्ट पाउडरी मिल्डू डिजीज इज? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैराथेन। क्वेश्चन नंबर 36, कॉस्ट कैलकुलेटेड पर क्विंटल इज नोन एज? दोस्तों इसका आंसर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 37, द कृषि विज्ञान केंद्रास के विकेस आर 100% फंडेड बाई? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ICAR, मतलब कृषि विज्ञान केंद्र को 100% जो है फंड प्रोवाइड कराता है ICAR। क्वेश्चन नंबर 38, द इफेक्टिव एक्सटेंशन मेथड टू इम्प्रूव फार्मर विथआउट अ पार्टिकुलर रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर अ स्पेसिफिक एरिया इज?
दोस्तों इसका आंसर है डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब प्रदर्शनी। क्वेश्चन नंबर 39, सोडिक सॉइल्स कैन बी मेड मोर प्रोडक्टिव बाई एडिंग, इसका आंसर है दोस्तों कैल्शियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर नवल डिसइंफेक्शन, दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, टिंचर ऑफ आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 41, हीफर बिकम ब्रीडेबल एट अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 to 2 years। क्वेश्चन नंबर 42, बेस्ट टाइम फॉर डूइंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आफ्टर द स्टार्ट ऑफ हीट इन काउ इज, इसका आंसर है दोस्तों आफ्टर 12 to 18 hours, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ सीमेन, दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 44, रिप्रोडक्शन इन एनिमल इज एसोसिएटेड विथ डिफिशियंसी ऑफ, इसका आंसर है विटामिन ई डिफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 45, द एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इन्वॉल्विंग क्रॉप प्लस ट्रीज प्लस पास्चर प्लस एनिमल्स इज कॉल्ड, दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, एग्री सिल्वी पास्चरल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 46, अपॉन फ्लडिंग द फास्फोरस अवेलेबिलिटी इन सॉइल, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग, मतलब बाढ़ आने के बाद सॉइल में फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड ऑफ एवोला प्रोपोगेशन इज, इसका आंसर है बडिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, फ्रूट स्क्वाशेस हैविंग प्लेंटी ऑफ पल्प आर नोन एज, इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेक्टर। क्वेश्चन नंबर 49, द प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया ऑर्डर वाज पास्ड इन ईयर, इसका आंसर है 2003। क्वेश्चन नंबर 50, व्हिप लाइक ब्लैक सूट इन इज प्रोड्यूस इन शुगर केन प्लांट सुफरिंग फ्रॉम डिजीज, इसका आंसर है स्मट डिजीज। क्वेश्चन नंबर 51, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रिंडरपेस्ट डिजीज इन कैटल इज ऑफ हाउ मैनी डेज, इसका आंसर है 3 to 7 days। क्वेश्चन नंबर 52, अ सिचुएशन ऑफ मार्केट इन विच सप्लाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिमांड इज टर्म्ड एज, इसका आंसर है ऑप्शन ए, इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ दीज फॉर्म इक्विपमेंट कंबाइंड द प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज इन अ सिंगल ऑपरेशन, दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, रोटावेटर। दोस्तों रोटावेटर की मदद से आप प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज एक साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इन बाजरा डेप्थ ऑफ सीड सोन शुड बी, इसका आंसर है 2 to 3 centimeter। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 55, वेट सीड ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड इन, इसका आंसर है राइस। क्वेश्चन नंबर 56, द आइस ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर, इसका आंसर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, जूम कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 58, कोटिंग यूरिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन फाउंड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप, दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, नीम ऑयल। तो जब यूरिया को नीम ऑयल से कोटिंग करते हैं तो ये क्रॉप्स की जो है जो यील्ड होती है उसे बढ़ा देती है, और जो क्रॉप की
नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी होती है वो भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, दी स्टेट वेयर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इज हाईएस्ट, इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 60, सल्फर कोटेड यूरिया कंटेन नाइट्रोजन, इसका आंसर है 33% नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 61, रेड डेलिशियस इज अ वैरायटी ऑफ, इसका आंसर है एप्पल। क्वेश्चन नंबर 62, डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ वेजिटेबल नर्सरी कैन बी कंट्रोल्ड बाय, दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, मतलब डैम्पिंग ऑफ डिजीज को आप सोलराइजेशन से, मिक्सिंग ऑफ फंगिसाइड इन सॉइल और सीड ट्रीटमेंट, इन तीनों मेथड से आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इन इंडिया जीन बैंक ऑफ व्हीट इज लोकेटेड एट, इसका आंसर है ऑप्शन सी करनाल हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 64, जूलॉजिकल नेम ऑफ व्हाइट ग्रब इज, इसका आंसर है ऑप्शन ए होलोट्राइचिया कॉन्सैंगुइनिया। क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप यू विल सजेस्ट मीट एंड कारपेट वूल प्रोडक्शन, इसका आंसर है ऑप्शन डी मांड्या ब्रीड। दोस्तों मांड्या ब्रीड जो होती है ये आपकी मीट प्रोडक्शन के लिए और कारपेट वूल प्रोडक्शन दोनों के लिए बेस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 66, द लार्वा ऑफ विच ऑफ द क्रॉप सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट ऑफ सोरगम क्रॉप कट ग्रोइंग पॉइंट एंड कास्ट डेड हर्ट इन द प्लांट, दोस्तों इसका आंसर है स्टेम बोरर। फ्रेंड्स जो स्टेम बोरर के लार्वा होते हैं वो सोरगम क्रॉप में डेड हर्ट के सिम्टम क्रॉस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विच इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कमर्शियली रेयर्ड हनी बी स्पेसीज इन द वर्ल्ड, इसका आंसर है ऑप्शन डी एपिस मेलिफेरा। क्वेश्चन नंबर 68, टोमेटो लीफ कर्ल इज ट्रांसमिटेड बाय, इसका आंसर है ऑप्शन ए व्हाइट फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 69, फर्स्ट ओपनिंग ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, इसका आंसर है ऑप्शन ए एंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द क्रॉप गिव द हाईएस्ट प्रोटीन इक्वल टू एग मीट एंड मिल्क, इसका आंसर है ऑप्शन सी सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 71, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सोयाबीन वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग, इसका आंसर है ऑप्शन ए 1967। क्वेश्चन नंबर 72, द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सेंटर इज लोक सिचुएटेड इन विच कंट्री, इसका आंसर है ऑप्शन सी केन्या। क्वेश्चन नंबर 73, पडलिंग इज डन मेनली फॉर, इसका आंसर है ऑप्शन बी रिड्यूसिंग डीप परकुलेशन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 74, दी स्पाइक टूथ हैरो आर यूज्ड मेनली फॉर, इसका आंसर है सरफेस फिनिशिंग ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड नियर द कैनाल बैंक्स, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अल्कलाइन सॉइल। क्वेश्चन नंबर 76, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बनाना क्रॉप इज, इसका आंसर है ऑप्शन बी 23 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 77, तारामीरा इज बिलोंग्ड टू विच फैमिली, इसका आंसर है ऑप्शन ए क्रूसीफेरी फैमिली। क्वेश्चन नंबर 78, विच वन प्लांट हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स सेपरेटली इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, दोस्तों जिस प्लांट में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स होते हैं सेपरेटली उससे एपोमिक्सिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन, इसका आंसर है 1912। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड
हैज़ बीन बैंड इन इंडिया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, DDT। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपके लिए हमारी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक क्रिविको के एस्पायरेंट्स को सेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।